नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। आज कई दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बुधरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नामांकन भरने वाले हैं। बुधरी में कांग्रेस के विक्रम मस्ताल भी नामांकन भरेंगे। इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय भी नामांकन भरेंगे। इंदौर दो से रमेश मेंदोला भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वहीं जबलपुर में भी सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के राकेश सिंह, सुशील इंदु की नामांकन रैली आज है। कांग्रेस के विनय सक्सेना भी रैली लेकर पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट बीजेपी से बागी कमलेश अग्रवाल भी दाखिल अपना नामांकन आज कर सकते हैं। वहीं नामांकन से पहले प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 31 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापसी लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर को है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कई दिग्गज नामांकन भरने वाले हैं। इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय भी आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके अलावा बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज नामांकन करने वाले हैं। बुधनी से ही विक्रम मस्ताल भी नामांकन भरेंगे। कांग्रेस की ओर से 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। रैलियां निकाली जाएंगी और इन रैलियों के जरिए जनता से आशीर्वाद मांगा जाएगा। तो बुधनी में कांग्रेस के विक्रम मस्ताल भी नामांकन भरेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज नामांकन भरने वाले हैं। इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय की भी नामांकन आज होगी। इंदौर दो से रमेश मेंदोला भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और जबलपुर में भी सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बीजेपी के राकेश सिंह, सुशील इंदु की नामांकन रैली आज है। कांग्रेस के विनय सक्सेना भी कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे रैली लेकर। इसके अलावा बीजेपी से बागी कमलेश अग्रवाल भी अपना नामांकन आज दाखिल कर सकते हैं। तो आज कई दिग्गज, कई बड़े चेहरे बीजेपी और कांग्रेस के नामांकन दाखिल करने वाले, जिसमें सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और कैलाश विजयवर्गीय का। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम इस वक्त लाइव जुड़ी हुई, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, आज कई दिग्गज नामांकन भरने वाले हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में आज नामांकन की भी आखिरी तारीख और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा कई और बड़े चेहरे हैं बीजेपी और कांग्रेस के जो नामांकन करने वाले, और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा सभी प्रत्याशियों की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए आज नामांकन की जो है आखिरी तारीख है, यानी कि आज अगर किसी प्रत्याशी ने अपना फॉर्म नहीं भरा तो वो चुनाव में शामिल नहीं हो पाएगा। और अगर हम आज की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा क्षेत्र से आज अपना नामांकन भरने वाले हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर पहले अपने गाँव जैत के लिए परिवार समेत रवाना हो गए हैं। पहले वो जैत जाकर के अपने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेंगे, गाँव वालों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सलकनपुर धाम जाएंगे, जहां पर वो देवी की जो है आशीर्वाद लेंगे। और सलकनपुर से रवाना होकर करीब 2 बजे बुधनी के एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर चुनाव के लिए वो अपना नामांकन दाखिल करवाएंगे। वहीं इंदौर एक से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय भी आज अपना नामांकन भरने वाले हैं। बीजेपी की इंदौर में एक नामांकन जो है रैली निकलने वाली है दोपहर 12:30 बजे के बाद, जिसमें वो तमाम बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है या फिर फॉर्म भी नहीं भरा है, वो सभी इस नामांकन रैली में शामिल होंगे और एसडीएम कार्यालय में जाकर जो है नामांकन को दर्ज करवाएंगे। वहीं जीतू पटवारी भी कांग्रेस की तरफ से आज जो है अपना नामांकन दर्ज करवाने वाले हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के जिन्होंने अब तक नामांकन नहीं भरा था, वो भी आज अपना नामांकन दाखिल करवाएंगे। दोपहर 3 बजे तक का ही जो है समय रखा गया है, उसके बाद से जो है फॉर्म की स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। तो आज का दिन काफी अहम है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजरिए से, और मुख्यमंत्री ही सबसे बड़ा चेहरा है जो आज जो है नामांकन दाखिल करवाएंगे। इसके अलावा हम दूसरे मंत्रियों की या फिर प्रत्याशियों की बात करें तो क्योंकि नामांकन शुरू होने के साथ ही जब नवरात्रि चल रही थी, तो कई तमाम बड़े चेहरे जो मध्य प्रदेश सरकार के हैं या कांग्रेस के हैं, उन्होंने अपना नामांकन पहले ही दर्ज करवा लिया था, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने पहले ही नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में अपना जो है नामांकन दर्ज करवा लिया था और आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री भी अपना नामांकन फॉर्म भरने वाले हैं। जी बिल्कुल, चलिए नीलम आप नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। नामांकन के आखिरी दिन